नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल पर मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत बिहार स्टेट जो है या बिहार स्टेट जो है या बिहार का आपका जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है आपका टीचिंग से संबंधित, उसको लेकर एक नई सूचना जो है वो सामने आई है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और ये सूचना उन सभी विद्यार्थियों के लिए, या कहा जाए तो बिहार एसटीईटी जो है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो आने वाले आगामी परीक्षा में बैठने वाले, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत छोटा सा वीडियो है और आप अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका छोटा सा समर्थन हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। दोस्तों, हमने बिहार एसटीईटी जो है इसके लिए आपका एक और वीडियो इससे पहले बनाई थी और आपको बताया था कि भाई उसमें देखिए एग्जाम की जो डेट है और उसमें आपका एक डमी एडमिट कार्ड जारी हुआ है, उसमें कैसे कैसे आप चीजें देख सकते हैं, वो सारी चीजें हमने बताई थी। अब आयोग द्वारा जो है एक नई सूचना आपके लिए जारी की गई है और वो सूचना क्या है एक बार वो भी देख लेते हैं हम कि भाई नई सूचना जो है ये आपका बीएससी बीएसटेट जो है इसके आपके होम पेज पे आपको दिख जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ नोटिफिकेशन 16/1/2024 का दिया हुआ है और जैसे ही आप इस नोटिफिकेशन में टिक करते हैं तो आपके सामने ये नया आपका जो है आपका ये जो आपका पेज है ये ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2024 में सम्मिलित होने वाले आवेदक जो है का द्वितीय डमी प्रवेश पत्र, सेकेंड डमी आपका प्रवेश पत्र जो है वो वेबसाइट पर अपलोड किया जाना है त्रुटि और संशोधन हेतु। ठीक है कि भाई अगर किसी भी तरह की गलती है, अभी भी आपको बता रहे हैं कि ये द्वितीय डमी पत्र देख लीजिए कैसा होगा, हमने वो भी आपको बताया था। उस डमी पत्र में आप देख लीजिए हस्ताक्षर, फोटो, नाम, माता का नाम, पिता का नाम, सब कुछ सही जगह पर है या नहीं। एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि समिति की विज्ञप्ति संख्या -- जो है माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा आवेदन पत्र भरने वाले आवेदकों का द्वितीय डमी प्रवेश पत्र समिति की वेबसाइट पर दिनांक 18/1/2024 से 24/1/2024 तक उपलब्ध होगा। जो डेट है वो 18 से 24 तक की है। संबंधित आवेदक, मतलब कल से 18 तारीख से संबंधित आवेदक जो है उक्त अवधि में अपनी द्वितीय डमी प्रवेश पत्र डाउनलोड करना सुनिश्चित करेंगे। द्वितीय डमी प्रवेश पत्र में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो संबंधित आवेदक अपने यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर उपयुक्त वेबसाइट पर उक्त तिथि तक द्वितीय डमी प्रवेश पत्र में मुद्रित विवरणों का त्रुटिपूर्ण आपका जो है जो भी त्रुटि है उसका सुधार कर सकते हैं। विज्ञप्ति संख्या PR 9/2024 में उल्लेखित सभी निर्देश यथावत रहेंगे। 2024/1/2024 के बाद 24/1/2024 के बाद किसी भी प्रकार की त्रुटि में सुधार का दावा मान्य नहीं होगा। अब आप सोचेंगे कि सर ये बार बार त्रुटि के बारे में क्यों बता रहे हो आप, तो देखिए ये जो एसटीईटी का जो प्रमाण पत्र आएगा यही आपका आगे जाके TRE या आप जिस शिक्षा भर्ती में आप बैठेंगे उसके लिए सबसे पहली सीढ़ी होगी। और अगर इसमें कोई भी चीज़ गलत मिलती है तो आप ये समझ लीजिए कि आपका सारा काम यहाँ से खत्म। ठीक है, तो एक छोटी सी गलती के कारण आप जिस लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जिस उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो लक्ष्य पूरा खराब हो जाएगा। और इसीलिए आप सभी से दोबारा गुजारिश है कि आप ये जो सेकंड डमी पत्र है इसे डाउनलोड कर लें, दोबारा चेक कर लें और अगर किसी प्रकार की त्रुटि मिलती है नाम में, सिर्फ आपका जो आवेदन संख्या है और आपका जो नाम है वो नहीं बदलेगा, बाकी उसके अलावा आप सारी चीजें बदल सकते हैं। ये लिखा है अभ्यर्थी अपना नाम एवं आवेदन संख्या को छोड़कर सभी प्रविष्टियों में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ आप बदल सकते हैं। तो अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या वहां पर है तो कृपया करके प्लीज जो है एक बार जाइए, चेक करिए और 100% आपका 101% श्योर हो जाइए कि एसटीईटी का जो प्रमाण पत्र आएगा उसमें एक किंचित मात्र का भी कोई आपका जो है त्रुटि नहीं होगी, ताकि आगे जो TRE में आप एप्लीकेबल करेंगे तो वहां पर कोई भी डॉक्यूमेंट को लेकर कोई भी दिक्कत आपको प्रस्तुत न हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।